अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है आमना हैदर और आप देख रहे हैं आमना टेक। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक अमेजिंग एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगी जो कि आपके लिए डेली बेसिस पे बहुत हेल्पफुल हो सकती है। आप हर जगह कॉपी पेंसिल कैरी करके नहीं रख सकते, तो आप क्या करोगे, आपको सिंपली इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। अगर आप एक ब्लॉगर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, राइटर हो, या फिर आप पॉइंटर हो, कोई भी स्टोरीज लिखते हो, या फिर आपका कोई भी रिटर्न वर्क है, अगर आप स्टूडेंट हो या फिर आप कोई बिजनेस करते हो लेकिन आप हर टाइम अपने साथ कॉपी पेंसिल नहीं कैरी कर सकते, तो आप क्या करोगे, आपको सिंपली इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। एज अ डायरी आप इसे यूज़ कर सकते हो, कोई भी रिटर्न वर्क आप इस पर कर सकते हो अपना। अगर आपके कोई आर्टिकल से रिलेटेड है, आपकी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, कुछ टॉपिक्स हैं, आप इजीली यहाँ पे राइट कर सकते हो। और यहाँ पे आप पासवर्ड यूज़ कर सकते हो अपने पर्सनल आर्टिकल्स के लिए, पर्सनल थिंग्स के लिए। तो ये कौन सी एप्लीकेशन और इसे कैसे यूज़ करना है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले आना है आपको अपने प्ले स्टोर पर और यहाँ पर आपको सर्च करना है माई डायरी जर्नल डायरी डायरी जर्नल विद लॉक। आप माई डायरी भी लिखोगे तो आपको थर्ड नंबर भी एप्लीकेशन मिल जाएगी। आप चेक कर सकते हो इसके 10 मिलियन डाउनलोड्स हैं, 3+ रेटिंग है, 4.6 स्टार्स हैं, मतलब बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, सिक्योर है। आप कुछ भी यहाँ पे राइट कर सकते हो अपने आर्टिकल्स टॉपिक से रिलेटेड। अब इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आप इसे ओपन कर लें। जैसे ही आप इसे ओपन करते हो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके पास शो होगा। अगर आप इसका प्रो वर्जन बाय करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, लेकिन आप फ्री में भी काफ़ी कुछ यहाँ पे कर लोगे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपको नीचे प्लस का साइन नज़र आएगा, आपने सिंपली इस पर टैप कर देना है। आप यहाँ पे कोई भी हाउस योर डे, अपने डे से रिलेटेड आप यहाँ पे कोई भी इमोजी सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कर लूँगी। तो यहाँ पे आप टाइटल दोगे सबसे पहले, जो भी आप लिखना चाह रहे हो। अगर आप कोई टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हो अपने कंटेंट या अपने ब्लॉग से रिलेटेड, यहाँ पे टाइटल दे सकते हो। उसके अलावा आप जो भी नीचे राइट करना चाहो दे सकते हो, जैसे कि मेरा ब्लॉग है ब्यूटी के रिलेटेड, तो मैं यहाँ पे ब्यूटी कीवर्ड सर्च कर लूँगी। तो मैं यहाँ टाइटल पे सर्च कर लूँगी ब्यूटी। आप कोई भी टाइटल रख सकते हो, आप जो भी आपके माइंड में है ब्लॉगिंग के रिलेटेड, या फिर कोई आर्टिकल प्रेजेंटेशन कुछ भी हो सकते हैं, आप वो यहाँ पे लिख के सेव कर सकते हैं, या फिर अपने डेली बेसिस पे जिसको बंदे को डायरी लिखने की आदत है वो डायरी भी यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई चीज़ माइंड में नहीं रहती या भूल जाते हो तो इस तरह अपने फ़ोन में सेव रख सकते हो इस एप्लीकेशन के थ्रू। तो जो बाकी आप नीचे लिखना चाहो अपने आर्टिकल या फिर पॉइंटर हो, कुछ भी लाइन्स लिरिक्स जो भी आप नीचे राइट करना चाहो कर सकते हो टाइटल के साथ। देन आपको यहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस देखने को मिलते हैं, जिनमें आप यहाँ पे बैकग्राउंड कोई इमेज के साथ भी सेव कर सकते हो, टेक्स्ट भी लिख सकते हो, इमोजी यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे आप हैंड रिटन नोट्स भी लिख सकते हो। उसके साथ आपको एक वॉइस का ऑप्शन देखने को मिलता है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हो वॉइस रिकॉर्ड करके भी। सिंपली आपने वॉइस रिकॉर्ड करने के बाद या लिखने के बाद आपको ऊपर सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सेव पे क्लिक करें तो इस तरह जो भी आपने लिखा होगा आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा या इस डायरी में सेव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि आप यहाँ पे पासवर्ड भी यूज़ कर सकते हो। पासवर्ड यूज़ करने के लिए आपने आना है यहाँ पे, आप कॉर्नर पे तीन लाइंस देखने को मिलेंगी, स्क्रॉल डाउन कर रहे हो तो यहाँ पे आपको डायरी लॉक के नाम से एक ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक कर दें। यहाँ पे आप डायरी लॉक तीन टाइप्स का लगा सकते हो, जो कि अपने मोबाइल स्क्रीन पर यूज़ करते हो, पासवर्ड, सिक्योरिटी क्वेश्चन, उसके अलावा आप यहाँ पर पैटर्न भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आप करना चाहो। उसके अलावा इन ऑप्शंस में आपको थीम्स देखने को मिलते हैं, जैसे ही मैं थीम्स पर टैप करूँगी यहाँ पे काफ़ी थीम्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जो भी आप यूज़ करना चाहो अपने डायरी के पैटर्न के लिए तो वो कर सकते हो। उसके अलावा आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन बैकअप एंड रीस्टोर का देखने को मिलता है। अगर आपसे कोई भी आपका इम्पॉर्टेंट पेज डिलीट हो गया तो आप यहाँ पे रीस्टोर कर सकते हो, बैकअप कर सकते हो अपने डाटा को, एक्सपोर्ट कर सकते हो, उसके अलावा शेयर कर सकते हो, और आप सेटिंग्स में जाके मोर ऑप्शन ऐप्स भी यूज़ कर सकते हो ईजीली, टैग्स भी यूज़ कर सकते हो अपने आर्टिकल के लिए जो भी आप यहाँ पर लिखते हो सेव करते हो। तो यहाँ पे आपको कैलेंडर का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, आप डे वाइज भी सब कुछ यहाँ पे सेव कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी ब्यूटी लिखा था तो फ्राइडे और डेट के साथ यहाँ पे सेव हो गया है। तो ये थी आज की अमेजिंग एप्लीकेशन, आप इसे यूज़ कर सकते हो फ्री में, कोई भी आपको यहाँ पे पेड वर्जन बाय करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप अपनी डिफरेंट थिंग्स जो आप देखते हो बाहर, आपको कॉपी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में आप यूज़ कर सकते हो, लिख सकते हो कुछ भी आपके माइंड में हो डेली बेसिस पर। अगर आप डायरी लिखना चाहते हो तो भी आप इस ऐप को यूज़ कर सकते हो। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ बने बेल आइकन को करें प्रेस, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।